जय हिंद दोस्तों। भगवा लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप एक ऐसा काला सच्चाई है जिसे सुनने के बाद मुसलमानों के जहन में एक ऐसी आग लगती है जिसे सुनने के बाद आपके दिल इस तरह से दहल जाएगी कि आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब से बीजेपी पावर में आई है हिंदू संगठन के द्वारा एक अलग सही कारनामा को अंजाम दिया जाता है। भगवा लव ट्रैप के नाम पर पहले हिंदू लड़के के द्वारा मुसलमान लड़कियों को अप्रोच किया जाता है, मुसलमान लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा करके उसे प्यार मोहब्बत का झूठी दिलासा दे करके सबसे पहले उसके साथ रिलेशन में आने की कोशिश करता है। जो ही रिश्ते में आता है उसके बाद फिर शादी का ढोंग रचाता है और हिंदू रीति रिवाज से शादी किया जाता है। फिर उसके बाद यहीं से उसका खेल शुरू होता है। कुछ साल, कुछ महीने या फिर कुछ दिन बीतने के बाद उसकी असल जो सच्चाई है वो सामने में निकल करके आती है। असल सच्चाई ये है कि ये भगवा लव ट्रैप में जितने भी मुस्लिम लड़कियां फंसती है, जितने भी प्यार मोहब्बत के झूठी मोहब्बत में ये फंस करके जितने भी ऐसे हिंदू संगठन वाले, जितने भी आरएसएस और बजरंग दल के जितने भी लड़के के साथ फंसती है, उसका जो इंजाम होता है, जो लास्ट उसका इंजाम होता है, बहुत ही बुरा होता है। आप उनके घर पे कितने दिन रहे? डेढ़ महीना जी। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद हमको लेके वो अररिया गए। अच्छा। वहाँ पे लेकर के ललिता नाम की औरत है उसके यहाँ मतलब कि धंधा करवाने लगे। दोस्तों, जब से बीजेपी पावर में आई है, लगभग 2014 से तो नहीं लेकिन ये चीज़ 2019 से बहुत तेज़ी से सामने में निकल करके आया। लगभग कई सौ ऐसी घटनाएं सामने में निकल करके आई जिसमें ये देखा गया कि एक बजरंग दल और हिंदू संगठन के लड़के किसी मुस्लिम लड़की को उसको पहले अपना प्यार मोहब्बत का जाल में फंसाते हैं, फिर अपने चंगुल में उसको लेते हैं, फिर हिंदू रीति रिवाज से उसके साथ शादी करते हैं, फिर घर से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो खेल शुरू होता है वो खेल असल में सुनने वाली बात है और यही जो खेल है एक मुसलमान लड़कियों को या मुसलमान को एक डराने वाली चीज़ है। क्योंकि भगवा लव ट्रैप जिस तरह से हमारे देश में फैलने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से हमारे देश में फैलती हुई जा रही है, ये मुसलमान लड़कियों के लिए, मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से मुसलमान लड़कियों को फंसाया जाता है, उसके साथ शादी किया जाता है, उसके बाद कुछ महीने कुछ दिन रहने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसको उसके जिस्म को नोच करके उसके साथ सारे संबंध बना करके छोड़ दिया जाता है, ये कह करके कि तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना है। लेकिन कुछ घटना ऐसे भी सामने में निकल करके आया जो कि प्यार मोहब्बत के झूठी चाल में फंसा करके शादी तो किया लेकिन कुछ दिन बाद लड़की का जब आँख खुला तो पता चला कि वो एक रेड लाइट एरिया में है, वो एक ऐसी बाजार में है जहाँ पर जिस्म फरोशी किया जाता है। एक ऐसा ही घटना सामने में निकल करके सामने में आता है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। एक खबर सामने में निकल करके आती है जहां पे एक लड़की एक हिंदू लड़के से सबसे पहले प्यार मोहब्बत के चंगुल में फंसते हैं, लेकिन फिर हिंदू रीति रिवाज से उसके साथ शादी होता है, फिर उसको घुमाने फिराने के बहाने से कहीं दूसरे जगह लेके जाया जाता है, फिर उसको किसी जिस्म फरोशी बाजार में बेच दिया जाता है। दोस्तों, सिर्फ एक कहानी नहीं है, कई ऐसे कहानी है। कुछ लड़कियों के साथ तो तेजाब डाल करके उसको ख़त्म कर दिया गया, कुछ लड़कियों के साथ ऐसा भी हुआ कुएं में डाल करके उसके जिस्म में नमक डाल दिया गया, कुछ लड़कियों के साथ ऐसे भी हुआ कि रेलवे ट्रैक पे उसका जिस्म मिला। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखने के बाद यूपी गवर्नमेंट जो है योगी आदित्यनाथ, वो ये कहते हैं कि तुम एक लेके जाओगे तो हम 100 लेके आएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को रोकने के बजाय, इन सब चीज़ों को रोक थामने के बजाय और हिंदू संगठन वाले क्या करते हैं, हिंदू जो संगठन में जुड़े हुए, जो आरएसएस, जो बजरंग दल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लड़कों को क्या अप्रोच देते हैं, ये जो भिकमंगे बेरोजगार जो लड़के हैं उसको ये कहा जाता है कि तुम किसी मुस्लिम लड़की को धर्म में लेके आओ, तुमको 4 लाख रुपये से इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से बचकाने वाली हरकतें की जा रही है, लेकिन ये बात सच है कि आजकल मुस्लिम लड़कियां हैं उसके साथ बहुत ही खिलवाड़ की जा रही है, उसके जो नियत है उसके साथ बहुत खिलवाड़ की जा रही है। दोस्तों, इन सब बातों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।